देखो उनका आज दिन नहीं है, आज बटलर के बल्ले से टाइमिंग नदारद है, आज बटलर बहुत धीमा खेल रहे हैं। क्यों धीमा खेल रहे हैं? क्योंकि लगातार विकेटें सामने से गिर रही थी, पार्टनरशिप कोई बिल्ड हुई नहीं, राजस्थान रॉयल्स लगातार विकेट खोता गया, इसीलिए बटलर ने अपना गेम को चेंज किया, टाइम लिया और पार्टनरशिप बिल्ड करी बाद में। तो मेरे ख्याल से जब तक वो क्रीज पे हैं, नेवर एवर राइट ऑफ बटलर, क्योंकि वाइड बॉल में T20 में उनसे बड़ा प्लेयर, उनसे बड़ा मैच प्लेयर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत उम्दा पारी खेली, लास्ट तक अवैश खान के साथ लड़ते रहे, अवैश खान को स्ट्राइक पर नहीं आने दिए, उनको मालूम था कि अवैश खान आउट हुए, उसके बाद यूजी चहल हैं जो बल्लेबाजी में इतने बड़े नहीं नाम है, तो खुद दारोमदार अपने ऊपर लिया, लास्ट में गेम को फिनिश किया। वाइड बॉल का इससे बड़ा प्लेयर आपको नहीं मिलेगा, बहुत उम्दा पारी, डोंट एवर राइट ऑफ बटलर, क्योंकि बटलर इज द रियल मैच विनर। देखो उनका आज दिन नहीं है, आज बटलर के बल्ले से टाइमिंग नदारद है, आज बटलर बहुत धीमा खेल रहे हैं। क्यों धीमा खेल रहे हैं? क्योंकि लगातार विकेटें सामने से गिर रही थी, पार्टनरशिप कोई बिल्ड हुई नहीं, राजस्थान रॉयल्स लगातार विकेट खोता गया, इसीलिए बटलर ने अपना गेम को चेंज किया, टाइम लिया और पार्टनरशिप बिल्ड करी बाद में। तो मेरे ख्याल से जब तक वो क्रीज पे हैं, नेवर एवर राइट ऑफ बटलर, क्योंकि वाइड बॉल में T20 में उनसे बड़ा प्लेयर, उनसे बड़ा मैच प्लेयर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत उम्दा पारी खेली, लास्ट तक अवैश खान के साथ लड़ते रहे, अवैश खान को स्ट्राइक पर नहीं आने दिए, उनको मालूम था कि अवैश खान आउट हुए, उसके बाद यूजी चहल हैं जो बल्लेबाजी में इतने बड़े नहीं नाम है, तो खुद दारोमदार अपने ऊपर लिया, लास्ट में गेम को फिनिश किया। वाइड बॉल का इससे बड़ा प्लेयर आपको नहीं मिलेगा, बहुत उम्दा पारी, डोंट एवर राइट ऑफ बटलर, क्योंकि बटलर इज द रियल मैच विनर।